बेतिया बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। तेजस्वी ट्वीट करके कह रहे हैं, जनहित में जारी, कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए। नीतीश कुमार को आखिर इतना गुस्सा किस पर आ रहा है? लेकिन नहीं नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। अभी अभी खत्म हुए बिहार चुनाव में नीतीश कुमार बार बार जिस जंगल राज की याद दिला रहे थे, क्या उसी जंगल राज की सुशासन राज में वापसी हो गई है? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। जगह के बारे में सोचिए, बिहार में राजधानी में एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले शख्स की हत्या हो जाती है। अगले ही दिन उस राजधानी के 18 किलोमीटर दूर हाजीपुर में सरे आम वकील की हत्या हो जाती है। एक दिन बाद उसी राजधानी में एक युवक को गोली मार दी जाती है। आखिर इस सब के पीछे कौन है और वो कौन है जो इनका जवाब देगा? न्याय चाहिए हमको। क्या कर रही है सरकार? नीतीश जी क्यों नहीं आए? नीतीश जी क्यों नहीं आए यहाँ पे? सबके लिए इतना किए हैं, पूरा दुनिया जानता है, न्याय नहीं मिलेगा। बिहार के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे आप लोग, बसरते क्राइमर पकड़ा जाना कोई इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त मैं नहीं करने जा रहा हूँ आप लोगों से। क्या अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? आप देखिएगा, दिन प्रतिदिन अभी वकील की एक हाजीपुर में एक वकील की हत्या हो गई है और लगातार पुलिस प्रशासन भी डीजीपी हाथ खड़े कर रहे हैं। वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 19 में ज्यादा था, अब कम है। शुक्रवार को एक ऐसे युवक की हत्या हो गई जो पीएमसीएच में गाड़ी का स्टैंड चलाता था। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुराग नहीं मिला। हम लोग प्रतिदिन थाना प्रभारी के कांटेक्ट में हैं, कह रहे हैं कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आज डीएम साहब से भी जाके हम लोग मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग हम लोग के नजर नहीं है। आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है? खुद डीजीपी सामने आकर हास्यास्पद जवाब देते हैं। उनका कहना है कि पिछले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के हिसाब से इस साल बिहार में कम अपराध हो रहे हैं। हम लोगों ने पूरा डेटा का एनालिसिस किया है और 2020 की में 2019 की तुलना में अगर मैं जनवरी 2019 से नवंबर 2019 का डेटा जनवरी 2020 के नवंबर 2020 से कंपेयर करूं तो हमारे 18 मापदंडों में जो अलग अलग हमारे हेड्स हैं क्राइम के, उसमें 14 में कमी आई है। इसके अलावा अगर मैं नवंबर 2019 का डेटा कंपेयर करूं नवंबर 2020 का, क्योंकि अभी हमारे पास यही एनालिसिस हुआ है, जब दिसंबर का होगा तो उसके बारे में बता दूंगा। पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं। खुद मुख्यमंत्री पत्रकार के सवाल पर भड़क रहे हैं। बिहार में लालू और राबड़ी देवी के 15 साल के जंगल राज को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार 15 साल पहले सत्ता में आए थे। ये वो वक्त ही था जिसने लालू यादव और राबड़ी देवी की इतनी तीखी आलोचना की गई कि बिहार के हालात को जंगल राज करार दिया गया। 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो जाहिर है जनता ने उन्हें लालू यादव के विलोम की तरह देखा और हाथों हाथ लिया। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का दर्जा मिल गया। बिहार का पिछले 20 साल का ग्राफ देख लेते हैं। बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़े इस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हत्याओं की तादाद बेशक घटी है। 2001 से 2005 के बीच हर साल 3600 से ज्यादा हत्याएं। 2010 से 2020 के बीच यह औसत 3000 के आसपास चला जाता है। डकैती और लूट में भी गिरावट, लेकिन अपहरण 6 गुना बढ़े हैं, चोरी 5 गुना बढ़ी है, रेप भी 2 गुने हो चुके हैं।
2001 में चोरी के 9,481 मामले, 2020 में 25,614 मामले दर्ज हुए, 2001 में बलात्कार के 746 मामले दर्ज, 2020 में 1,244 मामले, अपहरण और दंगों के मामले भी इन वर्षों में बढ़ गए। विपक्ष अब इन मुद्दों को तूल दे रहा है। तेजस्वी इस मुद्दे पर खुलकर बोल भी रहे हैं और ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमले भी कर रहे हैं। बिहार में लगातार जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है अपराधियों को। अपराधी पकड़े जाने की तो दूर की बात है, कोई सुराग भी नहीं पता चला। अब सवाल ये है कि क्या वाकई सुशासन बाबू के राज में जंगल राज घुसाया है? नीतीश खुद ही बिहार के गृह मंत्री भी हैं, तो सवाल तो उन पर ही उठेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वर्ष 2006 में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों को हथियार के साथ त्रिवेणी गंज स्थित अनूप लाल यादव महाविद्यालय के सामने मैदान में खुद की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कराया था। इस दौरान सरकार ने अपराधियों से वादा किया था कि जो अपराध की दुनिया को छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण करेंगे, ऐसे अपराधी को सरकार 2 लाख रुपए का अनुदान, 3,000 रुपए मासिक पुनर्वास, अपराधियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उन पर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करने में उनकी मदद करेगी। अपराधियों ने सरकार के द्वारा किए गए वादे को मानकर अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद इन क्रिमिनलों को तकरीबन 2 वर्षों तक कोशी सीमांचल की अलग अलग जेलों में रहना पड़ा। जो केस ये अपराधी आज तक लड़ते आ रहे हैं, ठीक इसके विपरीत करीब 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार आत्मसमर्पणकारियों से किए गए इन वादों को पूरा नहीं कर सकी, जिससे नाराज दर्जनों आत्मसमर्पणकारी पुनः हथियार उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। नीतीश कुमार के कहने पर हम लोग मुगधाड़ा में जुटे, आपको 3,000 रुपया हथियार रख दो और हथियार रख देने के बाद में तुम लोगों को 3,000 रुपया की मांग मिलेगी और 2 बच्चा का मैट्रिक तक का पढ़ाई मिलेगी। जब तक 2 लाख का अनुदान नहीं मिल जाता है तब तुम लोगों को पुनर्वास जब तक नहीं मिलता है तब तक 3,000 रुपया की मांग मिलेगी। जो हम लोगों ने घोषणा किया गलत किया है और हम लोगों को मजबूर होकर के जो है से फिर से जो है से करना होगा। किस तरह के अपराधी को क्या सुविधा दी जाएगी, क्या मुआवजा मिलेगा और है जो उसके पास साथ है जो पुलिस क्या बर्ताव करेगी, वो सब कुछ लिखित में है। अभी आपने मामला को संज्ञान में लाया है, हम इसके तह में जाएंगे कि क्या बात चल रही है। बिहार में अभी जो कुछ चल रहा है और उसे रोक पाने में सरकार नाकाम रही है, तो जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे। ABP News आपको रखे आगे।